अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मीठी टिकिया जो आपके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत क्रिस्पी और खस्ता होंगी, तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। सबसे पहले प्लीज आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है वो हमें जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए, ये 600 ग्राम हमारा मैदा है, इसमें हम 100 ग्राम सूजी डालेंगे। सौ ग्राम हम नारियल का बुरादा डालेंगे। एक टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे, और ये पिसी हुई शक्कर है। शक्कर हमारी 500 ग्राम है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। कम ज्यादा मीठी, आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप रखिएगा। ये हमारे सफेद तिल है 80 ग्राम, ये हम डालेंगे। अच्छा देखिए, ये बर्तन हमारा छोटा पड़ रहा है तो हम बड़े बर्तन में इसको ट्रांसफर कर लेंगे ताकि मिलाने में आसानी रहे। ये 7 टेबल स्पून घी है। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। दोनों हाथों से मिलाएंगे। देखिए, हमने सारी चीजों को खूब अच्छे से मिला दिया है। हम इसको गूंधेंगे। तो ये हमारा 1 कप दूध है, हम थोड़ा थोड़ा डाल के गूंधेंगे। देखिए, आटा गूंद के तैयार हो गया, 1 कप इसमें दूध लगा है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। इसके पेड़े आप बड़े बड़े लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि इसमें आप मैदा ना डालें, इसी तरह से इसको बेलें। देखिए, इसकी थिकनेस बस इतनी रखिएगा, ना ज्यादा मोटी होना चाहिए और ना पतली होना चाहिए। अगर मोटी होगी तो अंदर से कच्ची रह जाएगी, और पतली होगी तो टाइट हो जाएगी। अच्छा, हम गिलास से काटेंगे। अगर आपके पास कुकीज कटर हो तो आप उससे भी काट सकते हैं। देखिए, बाकी का हम फिर उसी में पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह से हम सब बेल लेंगे, फिर हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, टिकिया बन के तैयार हो गई, हम इसको फ्राई करेंगे। तेल हमारा हो गया है और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, ना तो हाई पे करना है ना स्लो पे करना। अगर स्लो पे करेंगे तो टूट जाएंगे, और हाई पे करेंगे तो ऊपर से हो जाएंगे और अंदर से कच्ची रह जाएंगी।
तो देखिए ये ऊपर आ गई है तेल के ऊपर। अब हम इसको पलट देंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी है ये।